हेलो बच्चों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल हाईलाइट इंटर साइंस क्लासेस में। बच्चों, पिछले वीडियो में हम लोग बात किए थे एक फंक्शन का दूसरे फंक्शन के सापेक्ष डिफरेंशिएशन कैसे ज्ञात किया जाता है, उस पर है ना आधारित क्वेश्चन को हम लोग देखे थे। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि पैरामेट्रिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन कैसे ज्ञात किया जाता है। व्हाट इज पैरामेट्रिक फंक्शन, पैरामेट्रिक फंक्शन क्या होता है, इक्वेशन क्या होता है, पैरामेट्रिक क्या होता है, यह सब जानने के बाद हम आपको बताएंगे कि उसका डिफरेंशिएशन कैसे ज्ञात किया जाता है। बात समझ में आ गई है? तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। फर्स्ट टॉपिक है इसका, इसमें पैरामेट्रिक पर फंक्शन क्या है उसी से इक्वेशन निकलेगा, पहले उसी को समझते हैं। लिखा गया है, कह रहा है इफ एक्स एंड वाई, कह रहा है एक्स और वाई दो चर है एक प्रकार का, फिर आगे पढ़िए वो फंक्शन हो जाएगा। करा एक्स एंड वाई बोथ आर फंक्शंस ऑफ थर्ड वेरिएबल टी, करा एक्स और वाई बोथ आर फंक्शंस, कहने का मतलब यह हुआ एक्स और वाई दोनों फंक्शन है ऑफ थर्ड वेरिएबल टी, जो एक तीसरा जो चर है टी, टी का ही फंक्शन है। किसका फंक्शन है? टी का ही फंक्शन है, एक्स और वाई टी का ही फंक्शन है। देन गिवन इक्वेशन इज कॉल्ड, तब जो इक्वेशन दिया रहेगा उसी इक्वेशन को हम लोग क्या बोलेंगे, पैरामेट्रिक इक्वेशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? पैरामेट्रिक इक्वेशन बोलेंगे। एंड थर्ड वेरिएबल टी जो होगा और तीसरा जो वेरिएबल टी होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, पैरामीटर बोलेंगे। तो आप लोगों को पैरामीटर क्या होता है ये समझ में आ गया होगा। पैरामीटर और पैरामेट्रिक इक्वेशन ज्यादा अंतर नहीं है, बहुत थोड़ा अंतर है, समझना है, छोटी बात है, नया बात है आप लोगों के लिए। अच्छा से इसको है ना गौर से देखिएगा, कि पैरामेट्रिक इक्वेशन और वेरिएबल में ऐसे देख रहे हैं पैरामीटर, उसको एक बार और समझ लीजिए। जैसे मान लेते हैं कि हमारे पास दो फंक्शन दिया हुआ है, एक्स और वाई दो फंक्शन दिया हुआ है जो ऐसे थर्ड वेरिएबल टी में है, अर्थात एक्स वाई जो फंक्शन तो है लेकिन एक्स वाई भी एक प्रकार का वेरिएबल ही ना है। तो कह रहे हैं तीसरा जो चर है टी उसका फंक्शन दिया हुआ एक्स और वाई, एक्स और वाई जो है वह तीसरा जो फंक्शन है जब वेरिएबल जो टी है उसके रूप में फंक्शन दिया हुआ है। तो एक्स और वाई हमारे पास दो फंक्शन हो गया जो टी वेरिएबल में, अर्थात थर्ड वेरिएबल टी में है। तो कहता है जो इक्वेशन जो प्राप्त होगा उसी इक्वेशन को हम लोग क्या बोलते हैं पता है, उसी इक्वेशन को हम लोग बोलते हैं पैरामेट्रिक इक्वेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पैरामेट्रिक इक्वेशन बोलते हैं। और जो थर्ड वेरिएबल टी जो देख रहे हैं टी, इसी टी को क्या बोला जाता है, पैरामीटर बोला जाता है। क्या बोला जाता है? पैरामीटर बोला जाता है। उदाहरण से एकदम स्पष्ट हो जाएगा, बात समझ में आएगी नहीं? तो चलिए एक उदाहरण ले रहे हैं, पैरामेट्रिक इक्वेशन हम यहाँ पे नोट किए हैं और यहाँ पे नोट किए हैं पैरामीटर। ध्यान दीजिए, गौर से ध्यान दीजिएगा, हम यहाँ लिखे x बराबर 2 cos थीटा, क्या लिखे हैं, x बराबर 2 cos थीटा और y बराबर 3 sin थीटा। तो देखिए x बराबर 2 cos थीटा है और y बराबर 3 sin थीटा है, x और y दो फंक्शन है, एक्स और वाई क्या है, दो फंक्शन है। अब गौर से देखने वाली बात यह है कि यह जो एक्स जो फंक्शन है ना उसके अंदर है, देखिए कॉस के साथ यह थीटा लगा हुआ है, अर्थात यह जो एक्स जो फंक्शन है वह थीटा का फंक्शन हुआ। किसका फंक्शन हो गया? थीटा का फंक्शन हो गया। उसी प्रकार वाई जो फंक्शन है वह भी किसका फंक्शन हो गया? थीटा का फंक्शन हो गया। तो गौर से देखिए एक्स और वाई क्या दो बताइए, तब फंक्शन हुआ कि नहीं हुआ? थर्ड वेरिएबल टी हुआ कि क्या थी? थीटा हुआ कि नहीं हुआ? अर्थात तीसरा जो वेरिएबल है इसमें कौन है, यहाँ पर इसे यहाँ पे थीटा है, बस समझ आएगी। तो थीटा को ही हम लोग क्या बोलेंगे, पैरामीटर बोलेंगे। थीटा को क्या बोलेंगे यहाँ पर? पैरामीटर बोलेंगे। कोई दिक्कत है यहाँ तक? चलिए बहुत अच्छी बात है। अगला जो उदाहरण एक और हम लेते हैं, एक्स बराबर दिया हुआ है ए टी स्क्वायर, एक्स बराबर क्या दिया हुआ है, ए टी स्क्वायर। यहाँ पर देखिए एक्स एक फंक्शन है जो टी का है, किसका फंक्शन है? टी का फंक्शन है। उसी प्रकार y बराबर 80 दिया हुआ, 280 दिया हुआ है, तो यहाँ पे y एक फंक्शन है, किसका फंक्शन है? थर्ड वेरिएबल t का फंक्शन है। तो देखिए इसमें गौर करने वाली बात है, x भी t का फंक्शन है, y भी t का फंक्शन है, तो इसी t को हम लोग क्या बोलते हैं, पैरामीटर बोलते हैं। इसी t को क्या बोलते हैं? पैरामीटर बोलते हैं। और x और y, एक्स और वाई को जो देख रहे हैं यह दोनों फंक्शन हो गए, दोनों क्या हो गया, फंक्शन हो गया। और यह जो इक्वेशन जो प्राप्त हुआ इसी को बोला जाता है पैरामेट्रिक इक्वेशन बोला जाता है। क्या बोला जाता है? पैरामेट्रिक इक्वेशन बोला जाता है। एकदम क्लियर हो गया होगा क्या होता है पैरामेट्रिक इक्वेशन, क्या होता है पैरामीटर, बिल्कुल समझ में आ गया कि नहीं आ गया? इससे कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब चलिए अगला टॉपिक है पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन। देखिए पहले पैरामेट्रिक ये ना इक्वेशन क्या होता है ये समझने के बाद ये टॉपिक आता है पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन।
अर्थात हम लोग अब पैरामेट्रिक का है पैरामेट्रिक इक्वेशन जो दिया रहेगा उसका डिफरेंशिएशन कैसे ज्ञात करेंगे हम लोग आप इस पर चर्चा करेंगे। बात समझ में आ गई? तो पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन को कैसे हम लोग ना हल करेंगे, कैसे उसको समझेंगे, अब वह जानने का प्रयास आज हम इसके वीडियो में करेंगे। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पे लिखे हैं एक्स बराबर एफ टी, ध्यान दीजिएगा एक्स बराबर एफ टी, तो एक्स एक प्रकार का फंक्शन है। एक्स क्या यहाँ पर है, फंक्शन है। ध्यान दीजिए टी का फंक्शन, किसका फंक्शन है, टी का। तो टी को हम लोग क्या बोलेंगे, पैरामीटर बोलेंगे, क्या बोलेंगे, पैरामीटर बोलेंगे। उसी प्रकार वाई बराबर जी टी दिया हुआ है, तो वाई जो है ना वो भी फंक्शन है, वो किसका फंक्शन है, टी का ही फंक्शन है। तो हमारे पास दो फंक्शन है, एक्स बराबर एफ टी दिया हुआ है, इसको वास्तव में पढ़ते एफ ऑफ टी, क्या पढ़ते हैं, एफ ऑफ टी, और इसको पढ़ते जी ऑफ टी, बोलेंगे हम लोग बोल देते हैं, लेकिन वास्तव में इसका शुद्ध उच्चारण यह होता है वाई बराबर जी ऑफ टी, ऐसा होता है एक्स बराबर एफ ऑफ टी होता है। बस समझ में आ गया? यहाँ पे टी जो पैरामीटर है, हम इन लोग इसका जब इसका डिफरेंशिएशन ज्ञात करेंगे तब दो देखते होइएगा, जितना भी आप लोग डिफरेंशिएशन पढ़े सब में डीवाई बटे डीएक्स खासकर ज्ञात कर देंगे, याद करते हैं। तो डीवाई बटे डीएक्स ज्ञात करते हैं, यह वाई का फंक्शन है और यह एक्स का फंक्शन है, तो वाई बराबर जब दिया हुआ है तो यहाँ पे डीवाई बटे डीएक्स निकलेगा। तो डीवाई डीएक्स निकालने के लिए आपको एक काम करना होगा, डीवाई डीएक्स सीधे नहीं निकलेगा, पहले वो डीवाई बटे डीटी निकलेगा और उसके बाद डीएक्स बटे डीटी निकलेगा, दोनों का जो रेशियो निकालेंगे ना उसी से निकलेगा डीवाई बटे डीएक्स का मान निकल जाएगा। एकदम स्पष्ट हो गया होगा कि डीवाई बटे डीएक्स कैसे निकालेंगे। तो डीवाई बटे डीएक्स निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, सर्वप्रथम आपके पास जो फंक्शन दिया है उसमें वाई जो है वाई का इसका डीवाई बटे डीटी निकालना होगा, और उसके बाद जैसे एक्स बराबर जो दिया हुआ है उससे डीएक्स बटे डीटी निकालना होगा। एक क्वेश्चन हम जो हल करेंगे ना उससे पूरा स्पष्ट हो जाएगा। बात समझ में आई? जो क्वेश्चन आपको बना के दिखाएंगे एकदम पूरा क्लियर हो जाएगा। थोड़ा आपको हिंट्स बता देते हैं, आप लोग पिछले चैप्टर में बनाए हुए थे, आप लोगों को पता होगा, कहता था x के पावर 6 का डिफरेंशिएट करना था, कहता था कि x के पावर 3 के सापेक्ष करना था, तो आप लोग क्या करते थे पता है, इसको आप लोग u मानते थे, इसको v मानते थे, मानते थे कि नहीं मानते थे, उसके बाद याद होगा आप लोग करते थे du बटे dx निकालते थे और यहां से dv बटे क्या निकालते थे, dx निकालते निकालते ना, याद है ना। उसके बाद हम बताए थे आपको कि बाबू आप लोग बनाइएगा du बटे dv निकालेगा, इसके लिए du बटे dv का सेटिंग कर लीजिएगा, du बटे dx पहले निकालेगा और उसके बाद dv बटे dx निकालेगा, याद आ रहा है कि ना आ रहा है, आ रहा है कि? तो आप लोग पिछले चैप्टर में जब पढ़े हैं ना टू कॉपी वही बात इस चैप्टर में भी है, सिर्फ थोड़ा अलग होगा, चेंज है, क्वेश्चन पूछने का ढंग अलग है। उस समय एक फंक्शन का दूसरे फंक्शन के सापेक्ष था, अभी पैरामीट्रिक फंक्शन का। अब पैरामीट्रिक फंक्शन क्या होता है यह तो एकदम बिल्कुल स्पष्ट हो गया, आपको पूरा क्लियर हो चुका, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यहाँ पे निकालना है डीवाई बटे डीएक्स बराबर डीवाई बटे डीटी बटे डीएक्स बटे क्या निकालना है, डीटी निकालिएगा। जैसे निकालिएगा ना तो आपका डिफरेंशिएशन हो चुका रहेगा जो आपके पास पैरामीट्रिक क्वेश्चन दिया रहेगा। चलिए क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन है एग्जाम्पल का ही क्वेश्चन है, सॉल्व एग्जाम्पल का ही क्वेश्चन चल रहा है, ठीक है। एक क्वेश्चन एग्जाम्पल का ही ले रहे हैं, कह रहा है फाइंड डीवाई बटे डीएक्स निकालना है, डीवाई बटे डीएक्स का मान निकाले, क्वेश्चन कह रहा है फाइंड डीवाई बटे डीएक्स व्हेन व्हेन जब क्या दिया हुआ है, एक्स बराबर ए पोस्ट में टी प्लस साइन टी दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, टी प्लस साइन टी दिया हुआ है, और उसके बाद दिया हुआ एंड एंड वाई बराबर ए वन माइनस कॉस टी दिया हुआ, क्या दिया हुआ है, वन माइनस कॉस टी दे दिया, ठीक है। यहां पर दे दिया ए वाई है ना, क्या दिया हुआ, एक्स बराबर पहले दे दिया, ऐसे एक्स बराबर दे दिया ए कोस्ट में टी प्लस साइन टी और वाई बराबर ए वन माइनस क्या दे दिया, कॉस टी दे दिया। चलिए इसका हम लोग डिफरेंशिएशन ज्ञात करते हैं, ठीक है। देखिए तो यह एक प्रकार का पैरामीट्रिक क्वेश्चन है, अभी जो सवाल है वह पैरामीट्रिक क्वेश्चन है। यहाँ पे देख लीजिए, यह देखिए एक यह सवाल हो गया, एक फंक्शन हो गया, सवाल बोले एक फंक्शन हो गया एक्स बराबर ए टी प्लस साइन टी, देखिए यहाँ पर है ना पैरामीटर कौन है, टी है कि नहीं है। उसी प्रकार वाई बराबर ध्यान दीजिए गौर से ए इंटू वन माइनस कॉस टी, यहाँ पे पैरामीटर कौन हो गया, टी हो गया। तो एक्स और वाई दो वेरिएबल हुआ कि नहीं हुआ, क्या दो फंक्शन हुआ कि नहीं हुआ,
एक्स और वाई यहाँ पे क्या है, दो फंक्शन है और यहाँ पे थर्ड वेरिएबल कौन हो गया, टी हो गया। तो क्या हम लोग यह बता नहीं बोल सकते हैं कि यह दिया गया इक्वेशन एक प्रकार का पैरामेट्रिक इक्वेशन है और थर्ड वेरिएबल इसमें क्या है, टी है। चलिए इसका हम लोग डिफरेंशिएशन ज्ञात करते हैं। चलिए बहुत ही इजी है, डिफरेंशिएशन ज्ञात करना बहुत ही आसान है, बयान है बहुत ही आसान है, सीख चुके हैं डिफरेंशिएशन निकालना, बड़ा बड़ा डिफरेंशिएशन निकाल चुके हैं। देखिए लिखते हैं क्या दिया गया है, एक्स बराबर ए टी प्लस साइन टी दे दिया, क्या दे दिया, एक्स बराबर ए टी प्लस साइन टी दे दिया। अब ध्यान दीजिए यहां से हम लोग डिफरेंशिएशन ज्ञात करेंगे, आप लोगों को डिफरेंशिएशन ज्ञात करने आता है, एक्स के सापेक्ष ज्ञात होगा कि टी के सापेक्ष, तो याद रखिएगा बाबू इस साइड जो उपस्थित रहेगा एक्स बराबर ना दिया हुआ है यहाँ पर, तो इधर जो दिया हुआ मतलब इसी के सापेक्ष आपको करना है, एक्स बराबर इतना तो यहाँ पर टी के सापेक्ष करेंगे, किसके सापेक्ष करेंगे, टी के सापेक्ष करेंगे, न कि एक्स के सापेक्ष करेंगे। हाँ तो यहाँ पे डिफरेंशिएशन हम लोग किसके सापेक्ष करेंगे, एक्स के सापेक्ष आप नहीं करेंगे, किसके सापेक्ष करेंगे, टी के सापेक्ष करेंगे। आप कहिएगा क्यों करेंगे, तो जो पैरामीटर रहेगा, जो पैरामीटर रहेगा उसी के सापेक्ष उसका डिफरेंशिएशन होगा, बात समझ में आया कि नहीं। तो यहाँ पे पैरामीटर कौन है, टी है कि नहीं है, तो टी के सापेक्ष यहाँ पे क्या होगा, डिफरेंशिएशन होगा, तो डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा, समझ में आ रहा है कि नहीं। तो यहां से करेंगे काम, डी एक्स बटे डी टी क्या निकालेंगे, डी एक्स बटे डी टी बराबर, ध्यान दीजिए डी एक्स बटे डी टी बराबर, चलिए इसका डिफरेंशिएशन ज्ञात कीजिए, आप लोगों को पता होगा कांस्टेंट से रहता हुआ बाहर ही रहता है, टी का कीजिएगा तो क्या होगा, वन हो जाएगा, साइन टी का कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, कॉस टी हो जाएगा। और एक बात याद है कि यहाँ तो कोई सेटिंग फेटिंग नहीं क्योंकि टी के सापेक्ष हो रहा है, समझे कि नहीं इसे, तो डी एक्स बटे डी टी बराबर ए इन टू वन प्लस क्या हो गया, कॉस टी हो गया। अब उसके बाद एक बात और दिया, वाई का फंक्शन दिया हुआ है, y बराबर क्या है, a into 1 minus cos t, क्या दिया हुआ है, y बराबर a into 1 minus cos t दिया हुआ है। यहाँ पर भी डिफरेंशिएशन ज्ञात करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे किसके सापेक्ष, t के, क्योंकि पैरामीटर यहाँ पे क्या है, पैरामीटर क्या है यहाँ पर, t है, इसलिए t के सापेक्ष करेंगे। तो उसके बाद यहाँ पर ध्यान दीजिए डिफरेंशिएशन t के सापेक्ष हो गया, यहाँ से हो जाएगा dy बटे क्या हो जाएगा, dt हो जाएगा, क्या निकलेगा, dy / dt, इस साइड से रहता है उसी के सापेक्ष कीजिएगा डिफरेंशिएशन, बात समझ में आ रहा है ना। उसके बाद यहां से हो जाएगा जैसे इसका डिफरेंशिएशन कीजिएगा तो डीवाई बाय डीटी बराबर ए तो कांस्टेंट है वह जस्ट के तस आ जाएगा, ए का क्या होगा वन है, वन का तो जीरो होता है खत्म, इसका माइनस, अब कॉस का भी उत्तम माइनस में होता है तो हो जाएगा माइनस में साइन टी हो जाएगा, बस समझ आया कि नहीं, यहाँ से हो जाएगा इतना, यहाँ से ए माइनस का प्लस हो जाएगा तो बच जाएगा सिर्फ कितना, साइन टी बचेगा। तो देखिए हमारे पास से दोनों का डिफरेंशिएशन प्राप्त हो चुका है, एक्स बराबर फंक्शन दिया हुआ था तो डी एक्स बराबर डी टी निकाल लिए, वाई बराबर एक फंक्शन दिया हुआ था तब डी वाई बटे से डी टी निकाल लिया, ठीक है। अब हम लोग ज्ञात करेंगे डी वाई बटे डी एक्स का मान, किसका मान ज्ञात करेंगे, डी वाई बटे डी एक्स का मान लिखते हैं, इसलिए डी वाई बटे डी एक्स बराबर, इसलिए dy बटे dx बराबर। चलिए dy / dx का मान निकालने के लिए आपको पीछे फॉर्मूला बता दिए हैं, सर्वप्रथम dy बटे dt निकलेगा। हाँ एक बात याद रखिएगा, अगर यहाँ पे थीटा होगा ना तो थीटा के सापेक्ष होगा, थीटा होगा तो थीटा के सापेक्ष होगा, अगर जे भी थर्ड वेरिएबल होगा उसी के सापेक्ष निकलता है, इस बात को याद रखिएगा। तो dy बटे dt बटे क्या हो जाएगा, dx बटे dt हो जाएगा। अब देखिए dy बटे dt का हम लोग मान निकाल चुके, कितना है, a sin t दिया हुआ है, a sin t दिया हुआ है, और dx बटे dt का भी मान निकाल चुके हैं, dx बटे dt का मान कितना दिया हुआ है, a into 1 plus क्या दिया हुआ है, cos t दिया हुआ है। तो dy बटे dt का मान निकालेंगे तो आगे कितना है, a sin t, और dx बटे dt का मान निकालेंगे कितना आ गया, a into 1 plus cos t, a से क्या हो जाएगा, कट जाएगा, ऊपर में sin t है, sin t को तोड़िएगा ना तो 2 sin t / 2 इंटू में cos t y क्या हो जाएगा, 2 बटे में 1 plus cos t दिया हुआ है, यहां से क्या हो जाएगा, 2 cos square t by 2, यह बाईपास है, ठीक है, यह बाईपास है, इतना हो गया, इससे क्या हो जाएगा, यह कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, बच गया sin बटे cos, तो लिख दीजिए sin t बटे 2, अब बटे में क्या हो जाएगा, cos t बटे 2, और sin t बटे 2 है ना, और cos t बटे 2 बराबर क्या होता है, tan होता है, तो निकल गया कितना, tan t by 2 निकल गया। तो आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या आ चुका है, tan t by 2 आ गया, आपका आंसर हो गया tan में कितना t by 2 हो गया, यही आपका
आंसर हो गया। बात समझ में आया कि नहीं आया? तो देखिएगा आप लोगों को समझ में बिल्कुल आ गया होगा कि कैसे पैरामीट्रिक फंक्शन का हम लोग डिफरेंशिएशन कैसे याद करते हैं। सर्वप्रथम आपको यह चेक करना है कि वहां पे थर्ड वेरिएबल इक्वेशन में क्या है, जो थर्ड वेरिएबल होगा उसी के सापेक्ष आपको डिफरेंशिएशन करना है। तो आपको एकदम स्पष्ट हो गया होगा कि हमारे पास यहाँ पर दो फंक्शन दिया हुआ था, एक्स और वाई, हमारे पास दो फंक्शन दिया हुआ था। इसमें देखते हैं कि थर्ड वेरिएबल टी है और उसमें भी थर्ड वेरिएबल टी है, अर्थात ऐसा पैरामीट्रिक पैरामीटर यहाँ पे टी है, वहाँ पैरामीटर क्या दिया हुआ है, टी दिया हुआ है, तो हम लोग टी के सापेक्ष किए हैं। एक बात और याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, नोटिस करने वाली बात है कि अगर यहाँ पे थीटा रहेगा तो हम लोग यहाँ पे क्या देंगे, थीटा देंगे। अगर यहाँ टी है तभी तो टी दिए हैं, कभी कभी जोरी तो नहीं है कि टी ए हमेशा दे, जोरी तो नहीं है कि थीटा दे, हो सकता कभी कभी अल्फा भी दे सकता है, गामा भी दे सकता है, बीटा भी दे सकता है, एबीसीडी का एक्स वाई छोड़ के अगर 24 लेटर में से कोई भी लेटर दे सकता है। इसलिए इस बात को ध्यान दीजिएगा, जो भी पैरामीटर रहेगा, जो भी थर्ड वेरिएबल रहेगा, उसी के सापेक्ष आपको क्या करना है, डिफरेंशिएशन ज्ञात करना है। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? चलिए आगे चलते हैं, एक क्वेश्चन को और देखते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन और देखिए, आप लोग का है ना बुक का ये क्वेश्चन बना रहे हैं, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बहुत सब क्वेश्चन बन जाएगा इसमें ना, 21 क्वेश्चन दिया हुआ है, 21 क्वेश्चन आपसे है ना पूरा बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। दिक्कत होगा तो उसके लिए हम है ना भेज दीजिएगा है ना व्हाट्सएप नंबर पे, हम बना के भेज देंगे इसे, वैसे दिक्कत नहीं होगा इससे। चलिए क्वेश्चन लेते हैं, तुम्हारा एक्सरसाइज का क्वेश्चन है 10i, एक्सरसाइज कौन है 10i, और उसका है ना फर्स्ट क्वेश्चन ही है एक्स बराबर ए टी स्क्वायर, जो हम उदाहरण लिए थे वही है, x बराबर ए टी स्क्वायर और y बराबर कह रहा है 280, x बराबर ए टी स्क्वायर और y बराबर 280, और हमको फाइंड क्या करना है, ज्ञात करना है dy बटे dx, ज्ञात करना, क्या ज्ञात करना है, dy बटे dx ज्ञात करना है। बहुत ही इजी है, कैसे हम लोग ज्ञात करेंगे dy बटे dx, ऐसे देखिए ध्यान दीजिए इसे। सर पता आपको बताया है कि यहाँ पे देख लीजिएगा यहाँ पे पैरामीटर कौन है, तो पैरामीटर का थर्ड वेरिएबल टी है कि नहीं है, तो चलिए यहाँ पे क्या ज्ञात करेंगे, यहाँ पे एक्स बराबर दिया हुआ है, एक्स बराबर क्या है ए टी स्क्वायर दिया हुआ है, यहाँ से लोग डिप्रिसिएशन ज्ञात करेंगे किसके सापेक्ष, टी के सापेक्ष आ जाएगा डी एक्स बटे डी टी बराबर, इसका निकालिएगा तो क्या हो जाएगा, ए तो कॉन्स्टेंट है, ए टी स्क्वायर का क्या होगा 2t हो जाएगा, बराबर 2at आ गया, ठीक है। उसके बाद दिया हुआ है y बराबर दिया हुआ है कितना 280 दिया हुआ है, यहाँ पे भी डिफरेंशिएशन ज्ञात करेंगे किसके सापेक्ष करेंगे बाबू, t के सापेक्ष करेंगे, स्पष्ट है कि नहीं है, क्योंकि t के सापेक्ष क्यों किए हैं बोलिए, क्यों किए हैं, इसलिए क्यों किए हैं, क्योंकि यहाँ पे थर्ड वेरिएबल क्या है t है, इसलिए किए हैं। तो डिफरेंशिएशन t के सापेक्ष होगा तो क्या निकलेगा, dy बटे dt बराबर, यहाँ से 2a कांस्टेंट है और ये t का 1 हो जाएगा तो निकल जाएगा 2a निकल गया। देखिए हमारे पास आ चुका है dx बटे dt का मान आ गया कितना 280, dx बटे dt का मान आ गया 280 और dy बटे dt का मान आ गया 2a आ गया। अब हमको निकालना क्या है, dy बटे dx निकाल लिखेंगे लास्ट में, इसलिए dy बटे dx इसका सेटिंग हम पूछे फॉर्मूला बता दिए हैं। dy dx कैसे निकालेंगे तो पता ही होगा आपको, dy बटे पहले dt करेंगे तब dx बटे क्या करेंगे dt करेंगे। कभी कभी बाबू एक बात याद रखिएगा बच्चों कि कभी कभी dx बटे dy भी कर देता है, तो dy बटे dx बटे dy रहेगा तो dx बटे dt पहले ऊपर लिखिएगा, बात समझ में आ रही है, जे पूछेगा ना उसको ऊपर रखना, अभी वाई था दोनों वाई वाला ऊपर रखिए, कभी कभी एक्स भी कह देगा तो ऊपर रखिएगा। उसके बाद यहाँ से काम कीजिए, डी वाई डी टी का है ना मान दीजिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है 2a दिया हुआ है, डी एक्स वाई डी टी का मान क्या दिया हुआ है यहाँ पे 280 दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है 280, दो से दो कट गया, ए से एक कट गया तो क्या बच गया 1/t, याद रखिएगा डीवाई वोटे डी एक्स का जो मान निकल गया 1/t क्या निकला टी निकला। बात समझ में आया कि नहीं आया, तो यही आपका क्या हो गया करेक्ट आंसर हो गया। आशा करते हैं आपको यह वीडियो काफी अच्छा लगा होगा और आप लोग पैरामीट्रिक फंक्शन का सवाल कैसे भी हल किया जाता है उसको आप लोग अच्छे से समझ गए होइएगा। इसे तो आपकी एक्सरसाइज है 10i है जिसमें 21 क्वेश्चन दिया हुआ है, 21 क्वेश्चन को बनाने का प्रयास कीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर कोई क्वेश्चन दिक्कत होगा तो उसका फिर हम वीडियो बनाएंगे नेक्स्ट वीडियो में है, तो इसके कुछ और टाइप के क्वेश्चन को चाहते हैं बताएंगे उस पर से बन जाएगा, वैसे कोई भी क्वेश्चन है ना इसमें प्रॉब्लम नहीं करेगा है ना, अगर कोई क्वेश्चन दिक्कत करेगा तो हम उसके लिए है ना उसको हम आगे बनाकर भेज देंगे, ठीक है। सबसे पहले बेस्ट ऑफ अगेंस्ट सवाल को बनाते रहिए।